रिम्स डीटीएमएच रेजिडेंट डॉक्टर मोहम्मद सिराजुद्दीन का सोमवार को कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो गया। सिराजुद्दीन का इलाज रांची के आलम अस्पताल में चल रहा था। स्थिति खराब होने के बाद ईसीएमओ मशीन की जरूरत थी। ये मशीन मेडिका अस्पताल में थी। परिवार के लोग अपनी जमीन तक गिरवी रख कर इलाज करा रहे थे, लेकिन डॉक्टर सिराजुद्दीन की मौत हो गई। अपने चिकित्सक साथी को खोने के बाद जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के सभी चिकित्सकों में गुस्सा है। रोष इस बात को लेकर है कि कोरोना काल में ड्यूटी करने के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर कोरोना संक्रमित हुए और उनकी मौत हो गई, लेकिन राज्य सरकार चिकित्सकों को मुआवजा राशि नहीं दे रही है। जेडीए के मीडिया प्रभारी डॉक्टर विकास ने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार केवल प्रोत्साहन राशि की घोषणा करती है, लेकिन अब तक ना तो प्रोत्साहन राशि मिली और ना ही सातवें वेतन का बकाया एरियर का भुगतान किया गया। कोई नेता या बड़ा पदाधिकारी एक बार बीमार पड़ जाता है तो फट से ट्वीट करते हैं कि नहीं उनको क्या किया जाए, ठीक किया जाए, फट से देखने चल जाते हैं, नहीं तो फ़ोन करके बात कर लेते हैं। तो क्या आपके डॉक्टर बीमार पड़ गए? मुझे खेद है कि ना तो डीन, ना तो यहाँ के डायरेक्टर, ना तो स्वास्थ्य मंत्री, ना तो CM किसी के तरफ से इस 20 दिनों में इस डॉक्टर पर कोई एक फ़ोन भी नहीं आया और कुछ भी बात नहीं किया गया। आप कम से कम एक नैतिकता के नाते फ़ोन करके पूछ तो सकते हो क्या हाल है। हम लोगों ने पिछली बार गए, हम लोग जाने के बाद लगातार हम लोग डीन डायरेक्टर सर से मिले, मिलने के बाद ये हुआ कि नहीं ठीक है उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाए, लेकिन वो झारखंड सरकार के तरफ से ना तो रिम्स के प्रबंधन के तरफ से एक पैसा भी उसके परिवार को अभी तक नहीं मिला है। वहीं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर अनितेश गुप्ता ने कहा कि ऐसी घटनाओं से हमारा मनोबल टूटता है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री सिर्फ बयान देते हैं, उसे पूरा नहीं करते। इतने बड़े पोस्ट पर होके स्वास्थ्य मंत्री होके मुख्यमंत्री होके क्या पैसा क्यों बयान देते हैं जिसको पूरा ना कर पाए? बस यही है अभी तो, यही और अभी तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि उसके परिवार वालों पर सहानुभूति दिखा है सरकार और प्रबंधन। जो खर्च आया है आलम हॉस्पिटल में मेडिका में उसका पूर्ण खर्च का वहन करे। जो डॉक्टर थे वो मेरे मित्र ही हैं, उनके 3 छोटे छोटे बच्चे पूरा परिवार छोड़ के गए हैं, तो जितना शीघ्र हो सके उनको उचित मुआवजा दें। वहीं जेडीए के डॉक्टर मृणाल भी सरकार से नाराज नजर आए। इस हाल में कोई कैसे काम करेगा? तो हम लोग यही चाहते हैं कि यदि हम लोग के जो मांग है वो 3 दिन के अंदर नहीं सुना जाएगा तो फिर हम लोग जान हथेली पे देख के काम नहीं करेंगे। हम लोग पहले खुद की जान देखेंगे फिर बाकी अपना काम करेंगे। ऐसे हमारे दोस्त थे जो जिनका डेथ हुआ है, हम लोग बहुत ही बुरा फील कर रहे हैं। हम लोग का बैचमेट था वो, और कोई भी रिम्स से या सरकार से एक ट्वीट तक नहीं किया है, कोई सांत्वना तक नहीं दिया है उसके मौत पे। मुआवजा तो दूर की बात, बहुत बुरा लग रहा है हम लोगों को। ऐसे में जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने सरकार से ये मांग रखी है कि कोरोना से होने वाली मृत्यु पर फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए। अब देखने वाली बात ये होगी कि जेडीए की इन मांगों पर सरकार कदम उठाती है। रांची से लाइव लगातार के लिए सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।